नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने राब्ता का 13वां भाग लेकर आई हूँ। आखिर नेत्रा को निहाल की पूरी सच्चाई पता चल ही गई, तो क्या होगा अब आगे? कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर अब आ चुकी है। क्या निहाल नेत्रा को दोबारा जीत पाएगा? चलिए पता करें। हेलो प्रीत, कैसी हो? उसकी आवाज में हल्की सी राहत और बहुत सारी थकान सुनाई दे रही थी। मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ एग्जीबिशन का पहला दिन कैसा रहा? प्रीत ने बदले में पूछा। बहुत अच्छा, सच कहूँ तो इट वॉज अ साई ऑफ रिलीफ जब समीर की बात मानकर मैंने उसकी एग्जीबिशन की जिम्मेदारी ली तो मैं बहुत परेशान था। समीर की एग्जीबिशन उसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, कोई भी कमी ना रहे मुझे ऐसा लग रहा था। मुझे तो खुद पर डाउट था कि मैं ऐसा कर भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन नेत्रा ने सच ही कहा था कि कोई और है जो उसकी मदद करना चाहता है, तो जब करने वाला वो है तो जिम्मेदारी भी उसकी और क्रेडिट भी उसका। मैं तो खुश हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे चुना समीर की मदद करने के लिए। हाँ निहार, नेत्रा ने बहुत गहरी बात कही, उसकी उम्र के लिए ज्यादा मैच्योर नहीं लगती हो? प्रीत ने आगे कहा। हाँ कह सकती हो तुम, कभी तो इतनी गहरी बातें करती हैं कि मुझे अचरज में डाल देती है और कभी कभी बच्चों की तरह रूठ जाती है, निहाल ने कहा और वो सोच में पड़ गया। उन दोनों के उस खास लम्हे को वो दोबारा जीने लगा। कुछ पलों तक जब खामोशी थी तो प्रीत ने आगे पूछा, निहाल आर यू देयर? बात कुछ आगे बढ़ी कि नहीं? हाँ भी और नहीं भी, क्या कहूं तुमसे प्रीत, निहाल ने जवाब दिया। निहाल, मैं जानती हूँ तुम्हें और समझती हूँ तुम्हारा डर, लेकिन सच का सामना करने का वक्त आ गया है। और देर करोगे तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे सच की कोई अहमियत ही ना रह जाए, प्रीत ने समझाते हुए कहा। शायद तुम ठीक बोल रही हो, निहाल ने कहा और उसने फोन रख दिया। दूसरी ओर नेत्रा को ये पता चला था कि निहाल सिर्फ उसका काइंड सोल नहीं है तो वो मिस्ट्री मैन भी है जो शायद उसे स्टॉक कर रहा था। निहाल, निहाल ही मिस्ट्री मैन है? डायरी को हाथ में लिए जब नेत्रा ने वो शायरी पढ़ी तो अचानक खड़े खड़े उसको पसीना आ गया और उसके हाथ खपखपाने लगे। कौन है निहाल? कैसी पागल हूं मैं? किसी को जाने बिना खुद को सौंप दिया मैंने? सोचते सोचते नेत्रा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो जोर जोर से रोने लगे। क्यों निहाल, क्यों? मैंने आंखें बंद करके तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे पाने के लिए ऐसा खेल खेला। मुझे सांस पकड़ लाना ये तुम्हारी चाल थी क्या? प्रीत के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल खेला मेरी फीलिंग्स के साथ? पागल हूँ, स्नेहा ने कितने बार आगाह किया मुझे, लेकिन सच प्यार के गुलाबी चश्मे पहन रखे थे मैंने, बिल्कुल अंधी हो गई थी मैं। विश्वास का मजाक बना दिया तुमने, अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में तुमने मुझे। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? क्यों निहाल? नेत्रा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो शायद सिर्फ निहाल से ही नहीं खुद से भी बहुत नाराज थी। नाराजगी में उसने प्रीत को फोन लगाया। प्रीत के फोन पर घंटी बजी। इतने रात में नेत्रा का फोन? प्रीत ने सोचा और फिर फोन उठाया। और जैसे ही उसने फोन उठाया, नेत्रा ने प्रीत को हेलो कहने का भी मौका नहीं दिया। प्रीत, हाँ इतनी मैनिपुलेटिव होगी? ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने आप पर भरोसा किया, अपना डर आपसे बांटा, और आपने क्या किया? मुझे उसी डर में ढकेल दिया। How could you be selfish? क्या आपकी अपनी बहन होती तो भी आप ऐसा ही करती? प्रीत,
How could you? अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी ऐसी तस्वीर बनाई कि मैं सच को देख ही नहीं पाई। अच्छा बेवकूफ बनाया आपने मुझे, लेकिन अब मैं आपके दोस्त की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मिल्का ने प्रीत को ना बोलने दिया, ना उसके जवाब का इंतजार किया और फोन नाराजगी में रख दिया। यहाँ दूसरी ओर निहाल होटल के कॉरिडोर में था, नेत्रा के रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा था। रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का फ्लैग लगा था। निहाल समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो इस वक्त जाकर नेत्रा से बात करें या नहीं। शायद थक गई होगी, कल एग्जीबिशन के बाद जब हम म्यूनिक जा रहे होंगे ना तो कार में उसे सब सच बता दूंगा, निहाल ने सोचा और वो अपने रूम में गया। जैसे ही निहाल ने अपने रूम में कदम रखा, उसे प्रीत का फोन आया। हेलो प्रीत, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नो निहाल, कुछ भी ठीक नहीं है, सब गलत हो गया। नेत्रा हैड कॉल्ड मी और उसे सब सच पता चल गया है और वो हम दोनों से बहुत नाराज है। क्या? ओह नो, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। मैं क्या कहूँ निहाल, लेकिन सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसे थोड़ा समय देना चाहिए। She is not ready to hear anything. नहीं प्रीत, अब नहीं। तुमने बहुत बार मुझसे कहा लेकिन मैं ही टालता रहा, लेकिन अब नहीं, वो मेरी वजह से परेशान है। कहकर निहाल ने फोन रखा और वो नेत्रा के रूम की तरफ भागा। उसने नेत्रा के रूम का दरवाजा खटखटाया। नेत्रा, नेत्रा, I'm sorry. एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हें दर्द पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था मेरा, तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो नेत्रा, प्लीज। नेत्रा दरवाजा खोलो। कहते हुए निहाल नेत्रा के रूम का दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन नेत्रा ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ, उसके आवाज सुनकर होटल का मैनेजर जरूर वहां पर पहुंच गया था, पर उसने कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर सिंह, कैन आई हेल्प यू? You need to go to your room. Our guests are getting disturbed. Please, Mr. Singh, I request you. Mukaddar mein judaai likhne aayi raat hai, pyaar ki wafa ki har umeed doobi, khoye jeevan ki har ek aas hai. Nihal ke jaane ke baad Netra ne socha, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। वो रोते रोते अपना सामान बांधने लगी। उसने बैग बंद किया और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैंने पहली बार किसी से प्यार किया, अब किसी पर कैसे यकीन कर पाऊंगी मैं? दूसरी तरफ निहाल बार बार नेत्रा को फोन कर रहा था। तंग आकर नेत्रा ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और तकिए में मुंह छुपाकर वो रोने लगी। नजदीकिया दिल के हाल बयां करती थी कभी दिल की धड़कने, दिल के राज खोलती थी सभी, अब तो दरमिया बस एक काली रात है। क्यों डर रहा था मैं? किससे भाग रहा था मैं? तुम्हें पाकर खो दिया नेत्रा मैंने, अब क्या तुम कभी मुझे माफ कर पाओगी? चाहता था तुम्हें दुनिया भर की खुशियां दूं, लेकिन दिया क्या मैंने? प्यार में भीगी शाम अभी तो पीती थी, महक उसकी अभी भी ताजा थी, आंधी ऐसी आई कि बिखर गए सारे ख्वाब वे, दिलों को तार तार करने आई ये रात है, आई ये रात है। निहाल रात भर बेचैन था,
एक पल के लिए भी वो आंखें मूंद कर आराम नहीं कर पाया। आखिरकार भोर होने को थी जब निहाल को झपकी लगी। कुछ घंटे सोने के बाद जब सूरज की तेज किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो निहाल की आंखें खुली और उसने घड़ी देखी। वो अपने रूम से भागा नेत्रा के रूम के लिए। वहां पर गया तो निहाल क्या देखता है कि रूम का दरवाजा खुला हुआ था और वहां पर हाउस क्लीनिंग अपना काम कर रहे थे। निहाल बेचैनी में इधर उधर देखने लगा। वहां पर ना नेत्रा का कोई सामान था और ना ही नेत्रा खुद। कहां हो तुम नेत्रा, कहां हो, निहाल ने कहा और वो समझ गया कि नेत्रा जा चुकी थी। और वो भागा रिसेप्शन की ओर और हाफते हाफते उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, दिलेरी हो अकम, दिलेरी इन रूम नंबर 302, व्हेन डिड शी लीव? ओह दैट लेडी, शी चेक्ड आउट अबाउट हाफ एन आवर अगो। निहाल दोबारा भाग ही रहा था कि रिसेप्शनिस्ट ने निहाल को पुकारा, मिस्टर सिंह, आई हैव समथिंग फॉर यू, द लेडी हैज रिक्वेस्टेड मी टू हैंड ओवर दिस डायरी टू यू। निहाल अब तक दो कदम आगे बढ़ भी चुका था। रिसेप्शनिस्ट की आवाज सुनकर वो दोबारा पीछे आया तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे वो डायरी दी जो नेत्रा ने निहाल को देने को कही थी। I have been told that there is a note for you inside. निहाल ने वो डायरी देखी और वो समझ गया कि नेत्रा को सच किस तरह से पता चला। उसने तुरंत वो डायरी खोली तो उसके अंदर एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, आंखें मूंद कर भरोसा करने की अच्छी कीमत अदा कर रही हूँ मैं, यकीन कीजिए आपने मेरा यकीन नहीं, आपने मुझे तोड़ दिया है, खुद को तो संभाल लूंगी मैं कैसे भी, लेकिन अपनी मासूमियत को हमेशा के लिए खो दिया है। निहाल ने वो नोट पढ़ा तो उसके हाथ से वो डायरी गिर गई और एक पल के लिए उसके कदम डगमगा गए। मिस्टर सिंह, आर यू ऑल राइट? रिसेप्शनिस्ट ने जब निहाल को देखा तो उसने हैरानी में पूछा। निहाल ने रिसेप्शनिस्ट को कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस अपनी डायरी उठाई और वहां से भागा। होटल से बाहर गया और तुरंत उसने एक टैक्सी पकड़ी और साल्ज़बर्ग के रेलवे स्टेशन गया। तुम जब मुझ में बाकी हो सांसों की तरह, फासला तुमसे नहीं खुद से हुआ है मेरा, तेरे बिन अब मुझे बाकी बस ये रात है, बस ये वीरानी रात। निहाल, निहाल तुम ठीक तो हो ना? फोन उठाते ही प्रीत ने निहाल से पूछा। प्रीत, वो चले गए। कहाँ हो तुम निहाल? वो चले गए प्रीत। निहाल बहुत ही नाराज था और वो शायद प्रीत के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार भी नहीं था। तभी प्रीत को फोन पर ट्रेन और अनाउंसमेंट की आवाज सुनाई दी और वो समझ गई कि निहाल साल्ज़बर्ग के रेलवे स्टेशन पर होगा। प्रीत निहाल के लिए तब से परेशान थी जब से नेत्रा ने उसको फोन किया था और युवराज के साथ मिलकर दोनों ने फैसला किया कि वो निहाल की मदद करने के लिए साल्ज़बर्ग पहुंचेंगे। वो तुरंत साल्ज़बर्ग के रेलवे स्टेशन पर आए और उन्हें वहां पर निहाल एक बेंच पर बैठा मिला। प्रीत ने निहाल को देखा, निहाल के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, वो अभी भी स्तब्ध था। प्रीत और युवराज निहाल के पास गए और प्रीत ने निहाल के कंधे पर हाथ रखा और उसे कहा, निहाल तुम ठीक तो हो ना? निहाल ने प्रीत की तरफ पलट कर देखा। I lost her, प्रीत। चलो निहाल, हम तुम्हें लेने आए हैं। प्रीत और युवराज दोबारा निहाल को अपने होटल के कमरे में ले आए। युवराज से निहाल का ये हाल देखा नहीं जा रहा था। समझाते हुए उसने निहाल से कहा, निहाल, निहाल ओए, रब इम्तिहान लेता है अपने बंदों का, तू उम्मीद रख, देखना सब ठीक होना है एक दिन। हाँ निहाल, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, देखना तुम, प्रीत ने कहा जब वो निहाल का सामान समेट रही थी। चलो अब हमने अपनी कार में हिलाई ताकि तुम्हें साथ में ले चलेंगे, लेट यू बी ड्राइव योर कार टुडे, ओके? और वो जल्द म्यूनिख के लिए निकले। पूरा रास्ता एक मायूस खामोशी थी कार में। किसी ने
एक शब्द नहीं कहा। शाम हो चुकी थी और रात होने को थी। उनका सफर पूरा हुआ और अब वो म्यूनिख पहुंच चुके थे। पूरे सफर में पहली बार निहाल ने कुछ कहा, मैं एक बार नेत्रा से मिलना चाहता हूँ। निहाल के आवाज में एक गहरा दर्द लेकिन साथ ही में एक उम्मीद सुनाई दे रही थी। युवराज ने प्रीत की तरफ देखा और फिर निहाल से कहा, ठीक है जैसा तू बोले, एड्रेस बता, मैप्स में डालता हूँ। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या निहाल नेत्रा को मना पाएगा? क्या उन दोनों के बीच सुलह होगी? क्या नेत्रा निहाल को माफ करेगी? क्या उन दोनों का रिश्ता असर करेगा? जानने के लिए बने रहिए मीनल साडियार के साथ, क्योंकि रिश्ता का अंतिम भाग आ रहा है बहुत जल्द, देखेगा जरूर। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं रिश्ता का अंतिम भाग लेकर, देखेगा जरूर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। तुम जब मुझ में बाकी हो सांसों की तरह, फासला तुमसे नहीं खुद से हुआ है मेरा। तेरे बिन अब मुझे बाकी बस ये रात है, बस ये दिन।